वहीं जीएमसी खंडवा में इलाजरत मरीजों के SpO2 को कंट्रोल करने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके प्रति मिनट कम ऑक्सीजन खपत करके नई मिसाल पेश की है। खंडवा जिले में पदस्थ SDM डॉक्टर परिश्चित झाड़े द्वारा अपने GMC नागपुर के बैचमेट के सहारे तथा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के सहायता से GMC खंडवा में इलाज करवा रहे हैं। कोविड पेशेंट तथा सारी बॉडी के मरीजों को 15 से 20 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन लग रही थी, उन्हें मॉडिफाइड करके सर्किट का उपयोग कर 5 से 6 लीटर प्रति मिनट पर टारगेट किया गया। इस तरह के से SpO2 बनाए रखने में सफलता प्राप्त की गई। SDM झाड़े द्वारा इस तकनीक की प्रशंसा की जा रही है। बाद में कोविड महामारी को देखते हुए सभी तरफ ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं उपयोग में कठिनाइयां आ रही है। खंडवा में भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में संचालित कोविड वार्ड में भी ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही थी, परंतु हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने ऑक्सीजन मैनेजमेंट के प्रति काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑडिटिंग, पेशेंट का टाइट्रेशन करना, उन्हें अपग्रेड डाउनग्रेड करना, ICU का फ्लोर चेंज करना, ये कुछ स्टेप्स है। जो मरीज करीब करीब 15-16 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पे जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनको ये बेन सर्किट है और ये कोई नया इजाद नहीं है। बेन सर्किट का उपयोग जो है वो जनरल एनेस्थीजिया के टाइम पे मुझे डॉक्टर द्वारा बताया गया कि यूज़ होता है, और इस एक सर्किट है जो बाज़ार में जो जो कंपोनेंट मिलते हैं उसके हिसाब से वो 500-600 रुपये का पड़ता है, और यदि इसको मरीज को लगा दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाईपैप पे 25-30 लीटर पर मिनट पे रह के जब उनको स्टेप डाउन कर रहे होते हैं तो 15-16 लीटर पर मिनट पे जब उनकी आवश्यकता पड़ती है।